लो उद्योग द्वारा हो रहे ध्वनि प्रदूषण बाबाई प्रदूषण के खिलाफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में दर्ज कराई गई शिकायत पर प्रदूषण विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बुराबाला निवासी राजेंद्र सिंह राणा, अक्षर सिंह, यशपाल चौधरी व अन्य ने बताया कि बुराबाला में लो उद्योग को दोबारा लगने की मंजूरी पर पहले भी गाँव वासियों द्वारा इनकार किया गया था, मगर बावजूद इसके कि लो उद्योग को लगाने के लिए एनओसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई और आज हालत ऐसी है कि उद्योग द्वारा दिन रात नियमों को ताक में रखकर ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिस पर कई बार गांव वालों द्वारा शिकायत संबंधित विभाग को दी गई, मगर उचित कार्रवाई ना होने के चलते बुराबाला निवासी राजेंद्र सिंह राणा ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में संबंधित उद्योग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आज प्रदूषण विभाग की तरफ से एक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए यंत्र भी लगाए, मगर गाँव वासियों का कहना है कि उद्योग द्वारा रात में प्रदूषण चलाया जाता है, जिसके चलते उनके गांव में यंत्र को तकरीबन एक माह तक लगाया जाए, जिससे ध्वनि प्रदूषण को जांचा जा सके। वहीं जब इस पूरे मामले पर उद्योग के सीईओ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके उद्योग से ना तो ध्वनि प्रदूषण फैल सकता है और ना ही वायु प्रदूषण, क्योंकि उनके द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाया गया है, जिससे ध्वनि प्रदूषण की सीमा के तहत ही आवाज आती है, तो वे स्वयं आकर इसकी जांच भी कर सकते हैं। मैंने 4 जनवरी को 2020 को सीएम संकल्प योजना के तहत मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराई थी कि हमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से बहुत परेशानी हो रही है, हम अपना सो नहीं सकते, रात को इतनी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और ना ही हम अपने खाद्य सामग्री डाल सकते हैं बाहर, ना ही कपड़े सुखा सकते हैं, इतनी कैरी और इतना प्रदूषण आता है और बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हम, सुबह से हम अपने मकान की छत पे या मकान के आंगन में घूम नहीं सकते हम, इतना प्रदूषण आता है, इतनी बदबूदार धुआं आता है इसका। और उसके बाद में ये इनको 11 तारीख को जेई साहब को मार्क हो गई थी, राजेश जी को, इन्होंने मेरे को 18 तारीख को संपर्क किया, तो 3 बजे जैसे ही यहाँ पहुँचने लगे तो बोल, फिर मैंने कहा मैं पहुँच रहा हूँ अभी, तो फिर उन्होंने फ़ोन आ गया कि मिल तो बंद है, क्योंकि जिस दिन मैंने 4 तारीख को दर्ज कराई थी उसके बाद मैंने स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से भी इसको मामले को उठाया था और सभी स्थानीय पत्रकारों द्वारा इसको प्रकाशित भी किया गया था सभी पत्रों में, और इसमें भी हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर हमारी मांग ये पूरी नहीं की जाती है, हमारी समस्या का निदान नहीं किया जाता है, तो हम NGT तक भी न्यायालय में जाएंगे। और इसके बाद इन्होंने कहा कि ये मिल बंद है, फिर मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क, उन्होंने कहा कि आपके ऐसे ऐसे कंप्लेंट हुई, आपको इसके बारे में जानकारी है, मैंने कहा कि ऐसे हुआ, मेरे को 18 को संपर्क किया गया, उन्होंने बोला कि मिल अभी बंद है, तो इन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने गुप्ता जी को फ़ोन किया कि अभी मिल कब कर रहे हैं कार्रवाई, तो गुप्ता जी ने बोला कि उनके प्रोडक्शन अभी मेंटेनेंस हो रहा है, तो जब मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे बताया गया कि उन्होंने यूनिट हेड ने बताया कि हमारी प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है, इसलिए हमने मिल को बंद कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनको 2 तारीख की तिथि दी हुई है कि 2 तारीख तक ये मिल चलाएंगे और 2 तारीख को दोबारा आपसे संपर्क। आपको उद्योग से हमारे को धुआं आ रहा है, ध्वनि प्रदूषण आ रहा है, रात को हम सो नहीं सकते, कोई बीमार है, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है वो रात को आजकल एकांत में पढ़ाई नहीं कर सकता, बच्चों के सर जुकाम वगैरह है, बच्चों को खांसी है, बच्चों को जुकाम हो रहे हैं, हमें भी दिक्कत हो रही है, उनका जुकाम वगैरह अभी तक ठीक नहीं हुआ कुछ, और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की करे और सही और सही तरीके से करे, इससे इनका संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, जो कि जो कार्रवाई की गई है वो दिन के समय की गई है और फैक्ट्री प्रबंधक को इसके बारे में पहले अवगत होगा, जैसा कि हमने नजदीक से जाकर भी देखा है, स्थानीय लोगों ने प्रदूषण टीम के साथ जाकर वहाँ पे मिल नाम मात्र के लिए चल रही थी, बंद थी, पूरी तरह नहीं चल रही थी, और पिछले शनिवार को पूरा धुआं दिन में भी छोड़ा हुआ था, हम जो स्थानीय लोग हैं खेतों में कार नहीं कर सकते, अपने खेतों में भी घास के ऊपर और कनक के गेहूं के फसल के ऊपर भी केरी जमी होती है और हमारे मकान की छतों पे भी, और हम कपड़े डालते हैं तो पहले तार को वाश करते हैं तो सारी काली हो जाती है, वो पेड़ों के ऊपर भी हमारे ऊपर ये काली केरी गिरी होती है। ऐसा जी हमारे जो उद्योग से ना कोई नॉइज पोल्यूशन है तो ना ही कोई धुएं का पोल्यूशन है,
ये जो हमारा प्लांट है नवी टेक्नोलॉजी ना लगे है, अभी नवंबर में शुरू हुआ है। हमने जो अगर किसी गांव वाले ने की है पहले भी पोल्यूशन वाले दो तीन बार आके जहाँ चेक कर गए मतलब, तो हूँ भी कर लेना, सानू कोई दिक्कत नहीं। साढ़े अंदर आके है करना, बाहर करना, जो भी जिम्मे भी गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, सानू कोई दिक्कत नहीं। असी साढ़े पोल्यूशन से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं। अगर जैसे डिपार्टमेंट कहेगा हम सब कुछ किया हुआ है उसके मुताबिक, अगर फिर भी कोई है जब मर्जी साढ़े आके चेक कर लेना, सानू कोई इतराज नहीं किसी को। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।